गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी जैसे कि हमें पता है कि गैडपी की डेट्स आ चुकी है और अब हमारे पास सिर्फ 40 डेज है गैडपी के प्रिपरेशन करने के लिए तो उसमें प्रिपरेशन में स्मार्ट स्टडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हमें ये पता हो कि कौन सी यूनिट से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और कौन सी यूनिट से कम क्वेश्चन आते हैं ताकि जिन यूनिट से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं उन पर हम ज्यादा फोकस कर सके और इसी से रिलेटेड एक वीडियो है जिसमें प्रीवियस ईयर यानी कि ट्वेंटी में कौन से यूनिट से कितने क्वेश्चन आए ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं इससे पहले भी एक 2020 का डिटेल्ड वीडियो अपलोडेड है मेरे चैनल पे जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा सो लेट्स स्टार्ट लेक्चर गाइस सबसे पहले अगर मैं बात करूँ सेक्शन ए की सेक्शन ए यानी कि ऐसा सेक्शन होता है जिसमें चारों सब्जेक्ट्स आते हैं जैसे कि मैथ्स भी आता है बायोलॉजी भी आता है फिजिक्स भी आता है भी आता और केमिस्ट्री भी आते हैं चारों सब्जेक्ट्स आते हैं चारों सब्जेक्ट से मिला के सिक्सटी क्वेश्चन आते हैं सब एक मार्क्स के होते हैं तो सब सिक्सटी मार्क्स के बनते हैं तो यहाँ पे अगर हम देखें सेक्शन ए में 2021 ट्वेंटी गैटवी में बायोलॉजी से कौन सी यूनिट से क्वेश्चन आए थे और कितने क्वेश्चन आए थे अगर हम बायोकेमिस्ट्री से देखें चार आए थे एनिमल फिजियोलॉजी से तीन मॉलिकुलर बायोलॉजी से दो जेनेटिक्स से तीन सेल बायोलॉजी से एक और प्लांट फिजियोलॉजी से एक और मैं बता दू जितने भी क्वेश्चन थे ना वो सारे बेसिक थे बेसिक यानी कि आपके अगर ट्वेल्थ तक या एनसीआर आपको बहुत अच्छे से आती है और आपके बीएससी भी आपको बेसिक आती है तो आप आराम तो से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के तो यहाँ पर इस तरीके से चार ये सारे क्वेश्चंस मिला के बायोलॉजी के थे बाकी जितने भी क्वेश्चन थे वो मैथ्स से थे फिजिक्स से थे और केमिस्ट्री के थे अगर मैं इनको कैलकुलेट करूँ तो यहाँ पर कितना हो जाएगा सेवन एट नाइन टेन इलेवन फोर्टीन क्वेश्चन जो थे टोटल बायोलॉजी से आए थे और बाकी सारे क्वेश्चन बाकी सब्जेक्ट से थे इसके बाद अगर हम यहाँ पे चले सेक्शन बी की तरफ तो सेक्शन बी में कौन सी यूनिट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आया छब्बीस क्वेश्चन सेम यही 2020 में भी हुआ था 2020 में 27 क्वेश्चन आए थे बायो केमिस्ट्री में से और इस बार भी यहाँ पे 26 क्वेश्चन आ रहे हैं तो बायो केमिस्ट्री आप अच्छे से करके जा सकते हो क्योंकि सेक्शन बी जो होता है उसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं और 100 क्वेश्चंस में से आपको 60 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं ईच क्वेश्चन इज ऑफ मार्क्स तो यहाँ पे वन मार्क्स का आपको होता है सेक्शन बी तो 26 क्वेश्चन तो इसी में से ही आ रहे हैं आपके उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो नेक्स्ट है मॉलिकुलर बायोलॉजी जिसमें से 15 क्वेश्चन आ रहे हैं उसके बाद अगर हम देखें इम्यूनोलॉजी से 11 क्वेश्चन है फिर अगर हम यहाँ पे देखें बायोपोसेंग से आठ क्वेश्चन और सेल बायोलॉजी से नौ क्वेश्चन है टेक्निक से यहाँ पे सेवन क्वेश्चन है माइक्रो बायोलॉजी से यहाँ पे फाइव है आरडी टी दैट इज रिकॉम्बिनेट ए टेक्नोलॉजी से भी फाइव आए थे इवोल्यूशन एंड इकोलॉजी से भी चार क्वेश्चन आए हैं हाँ इवोल्यूशन जो है गैटबी के सिलेबस में मेंशन नहीं है लेकिन स्टिल यहाँ पे इवोल्यूशनल इकोलॉजी से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन देखने देखे गए थे उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें जेनेटिक्स से तीन क्वेश्चन आए बायो इन्फॉर्मेटिक्स से दो टिश्यू कल्चर से और थोड़े से मिसलेनियस भी आए हैं जैसे कि फोरेंसिक साइंस से एक क्वेश्चन आ गया प्लांट फिजोलॉजी से एक क्वेश्चन आ गया एक क्वेश्चन बेसिक सा बिल्कुल फिजिक्स से आ गया एक क्वेश्चन बेसिक सा केमिस्ट्री से आ गया तो इस तरीके से यहाँ पे पूरा का पूरा ये सेक्शन भी बन के चुका है आपको सिर्फ साठ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने इधर आपके सामने सौ क्वेश्चन प्रेजेंट है अब आपको देखना है कि आपको कौन सी यूनिट्स को बहुत अच्छे से करके जाना है जितना भी टाइम बिंग है जो आई आई टी में आपने पढ़ी थी उनको तो अच्छे से पढ़िए ही पढ़िए उसके अलावा कुछ यूनिट्स ऐसे चूज कीजिए जिससे आपको पढ़ को जाना है